मार्वल्स यूनिवर्स में काफी अलग अलग तरह के हीरोज हैं। यहाँ पर स्पाइडरमैन है, डॉक्टर स्ट्रेंज है और हल्क भी है। लेकिन क्या हो अगर हम इन्हीं हीरोज को माइनक्राफ्ट की दुनिया में लेके आए और इनके साथ माइनक्राफ्ट को खेले? तो जी हाँ गाइस, आपने सही समझा, आज हम खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट विद आयरन मैन। तो जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास आयरन मैन का हैंड है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखो गाइस कैसा लगता है, अमेजिंग एकदम, बिल्कुल जैसे आयरन मैन के पास था वैसा ही। पर अफसोस मार्वल्स ने आयरन मैन को नहीं दिखा रखा, अब वो किसी भी मूवी में नहीं आ सकते। तो चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ भाई और बहनों, फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो मैं हूँ टॉक्सिक, आज हम फिर से खेल रहे हैं डब्बों की दुनिया। तो आते ही हम स्पॉन हो गए हैं विलेज के बिल्कुल पास में। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास वो आयरन मैन की पावर है और यहाँ पे काफी सारे अलग अलग आते ही गया काफी सारे अलग अलग मॉड्स हैं इसके अंदर, जिससे कि हम एंडर ड्रैगन को बीट करेंगे। उससे पहले हम इस विलेज को पहले लूट लेते हैं। वो मेरे को टीटू बाबा ने बोला है कि तो तेरे को मैं एक पावर दूंगा आयरन मैन की, जिससे कि तू एंडर ड्रैगन को बीट कर पाएगा। ऐसे टीटू बाबा अगर और भी पावर्स को रियल लाइफ में दे दे तो कितना मजा आ जाएगा गाइस। आप एक बार सोच के देखो, अगर रियल लाइफ में ये हीरोज होते तो कितना मजा आता। मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि ये रियल लाइफ में हीरोज होने चाहिए मार्वल्स के या नहीं। और लेकिन यार यहाँ पे तो कोई भी विलेज कर का घर एकदम खाली। तो गाइज मैं आपको एक पहले ये वाली पावर करके दिखाता हूँ। ये है एक ड्रोन अटैक, जिससे एक ही बारी में मेरे पास से एक ड्रोन निकलेगा जो कि आसपास के सभी मॉब्स को मार देगा और बाद में खुद मर जाएगा। वो थोड़ी देर की इसकी एबिलिटी होती है, उसके बाद ये डीएक्टिवेट हो जाता है मॉब्स को मारने के बाद। तो ये भी काम आएगा और बाकी हम देखते हैं। ओ शिट, कोई बात नहीं, एक चली गई तो क्या हो गया। हमारे पास एक और है जो कि है फ्रीज बीम, देखते हैं इससे क्या होता है। इससे आई थिंक ये फ्रीज हो जाते हैं, जो जिस पे भी हम इसको अटैक करते हैं वो फ्रीज हो जाता है और थोड़ी देर बाद उसका इफेक्ट भी खत्म हो जाता है, तो वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जब तक ये रहता है तब तक तो वो फ्रीज ही रहता है मॉब और जो भी कोई एंटिटी होता है। ओ भाई मर नहीं रहा ये पिग, वेट ये होमिंग रॉकेट देखते हैं क्या है। वेट, इसने एक सेकंड, इसने इसको स्कैन किया, वो मैंने इसको दबाया, कुछ हुआ क्या? नहीं कुछ नहीं हुआ। नहीं कुछ नहीं हो रहा, होमिंग रॉकेट्स काम के नहीं है। चार्ज बीम देखते हैं। ओह गाइस अमेजिंग, ये देखो गाइस इसने तो मेरे को कुक दे दिया। मैंने चिप चिप मैंने फालतू में उस बेचारी काओ को मारा। आराम से कुक पोच मिल रहे हैं, सारे ले लेते हैं, खाने के काम आएंगे। और इस बीम को चार्ज भी करना होता है। अगर हम रेगुलरली वर्क वॉक कर रहे होंगे तो ये बीम अपने आप चार्ज हो जाती है। फ्रीज बीम, होमिंग रॉकेट्स, एक बार ट्राई करते हैं। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। गाइस अमेजिंग, ये आई थिंक एक रॉकेट्स की तरह काम करते हैं, जो कि बिल्कुल टच होने पे। गाइस ये तो बहुत ही अमेजिंग था, वाला करते इसको खाली ये है। ओह ब्लैक स्मिथ, यहाँ पर देखते हैं इसकी चेस्ट में आई थिंक कुछ बढ़िया सा सामान होना चाहिए। गाइस लिटरली यहाँ पर 3 डायमंड है। ये मेरे ख्याल से चीचू बाबा ने हमारे लिए रखे होंगे शायद, या फिर ये आई थिंक ऐसे ही आए। टीटू बाबा कह रहे थे मैंने तेरे लिए इससे भी ज्यादा अच्छा सामान रख रखा है जो मेरे को एंडर ड्रैगन को बीट करने में भी हेल्प करेगा। एक सेकंड गाइस, मैं इसका एक बार सामान क्राफ्ट कर लेता हूँ। मैं इसकी एक्स बनाना पसंद करूँगा और मैं इसकी आयरन की पिकेक्स। नाइस गाइस अमेजिंग, फर्स्ट ही उसमें 3 डायमंड, और इस वाले घर में कुछ नहीं है। वैसे घर देखते हैं जहां पे मेरे को उम्मीद हो कि ये वाले घर में कुछ होएगा।
ओ रिपल्सर, आई थिंक मेरे ख्याल से तो रिपल्सर एक उसकी तरह काम करता है, स्लो फॉलिंग के इफेक्ट की तरह। मैंने इन वाले घरों को, मैंने वो वाले घरों को एक बार ट्राई नहीं किया, एक बार वो वाले घर ट्राई कर लेते हैं, फिर हम चलते सीधा एक बार इस वाले घर में। अगर वो टीटू बाबा की चीजें मिल गई तो हम चलेंगे सीधा एंड ड्रैगन को बीट करने। यस गाइस, मेरे को पता था टीटू बाबा ने मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग चीजें रख रखी होंगी, तो जैसा कि आप देख सकते हो फुल ऑन नेदरराइट का आर्मर, और नेदरराइट के आर्मर के साथ जाइटन गोल्डन एप्पल भी, एक नेदरराइट की स्वॉर्ड भी, और 16 एंडर आई ऑफ एंडर भी। तो गाइस अब हम चलते हैं, गाइस कितना अमेजिंग लग रहा है नेदरराइट के आर्मर पे। तो गाइस अब हम सीधा चलते हैं एंडर ड्रैगन को बीट करने, तो मिलते हैं एंड सिटी में। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम रिपल्सर से। यस रिपल्सर से, क्योंकि हम ऊपर चलते हैं। ओ वेट, मैं तो कुछ ज्यादा ही नीचे आ गया, इनकी आंख में नहीं देखना मेरे को, कोई भी किसी भी तरह का खतरा नहीं लेना। तो एक गोल्डन एप्पल खा लेते हैं। हाँ ये वाला, मैं चार्ट बीम से एक बार ट्राई करता हूँ। वेट, यस एक गया। वेट वेस्ट हो गई एक चार्ट बीम, दूसरा भी गया, अमेजिंग। यस तीसरा भी गया, वेरी नाइस। मेरे को ये वाले उधर जाके एक बार डिफ्यूज करने पड़ेंगे सारे के सारे, इसके जितने भी क्रिस्टल्स हैं। ओ वेट, नीचे देखो नीचे देखो नीचे देखो, शेट गए 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 गए, गया मैं 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 गया। अब आओ तुम, तुम्हें तो मैं बताता हूँ। ओ शिट 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 गाइस, मेरे पीछे काफी सारे यस होमिंग रॉकेट्स सही रहेंगे क्या? अमेजिंग, वेरी नाइस। सारे के सारे गए, एक गोल्डन एप्पल खा लेते हैं। यस मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हैं ये, एक सेकंड मैं देखता हूँ अगर ये यहाँ से वेट डिफ्यूज हो जाता है तो। यस हो गया, क्रिस्टल इसके अंदर ही डिफ्यूज हो गया। ये एंडर ड्रैगन अभी मेरे को उड़ा के लेके जा रहा था। यस नाइस, आई थिंक चार क्रिस्टल डिफ्यूज हो गए ना, बाकी के भी डिफ्यूज करते हैं। तो गाइस अब हमने एंडर ड्रैगन के सारे क्रिस्टल तोड़ ही दिए हैं, अब हम सीधा एंडर ड्रैगन को मारने चलते हैं। वो आ चुका है, अब उस पे चार्ज बीम। वो एंडर ड्रैगन पे चार्ज बीम यूज क्यों नहीं हुई? हाँ अब हुई, वो थोड़ा एक एंगल खराब था। वो शेट, मेरी एनर्जी खत्म हो गई, एक और लग जाएगी ऐसे एनर्जी वापस। एक और, वन मोर, फ्रीज नहीं, होमिंग रॉकेट्स एक बार ट्राई। नहीं होमिंग रॉकेट्स इस पे काम नहीं करेंगे। ये भी काम नहीं कर रहे, बस इस पे चार्ज बीम ही काम करेगी, मैं इस पे चार्ज बीम ही यूज करता हूँ। फिर अभी गाइस मेरी, मैं इसको अपनी स्वॉर्ड से भी मारता हूँ। इसने मेरी हेल्थ भी काफी डाउन कर दी। ओके हम इसको चार्ज बीम से ही मार सकते हैं गाइस, चार्ज बीम से ही इसको ट्राई करते हैं मारने का। एक बार दोबारा नीचे आ जाइए, हवा में एक बार मार के देखते हैं पोजीशन।
पे नहीं नहीं हुआ। होमिंग रॉकेट इस पे काम नहीं करते। गाइस नीचे आ रहा है, 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 नीचे आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, ए आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, अरे हट, आने दो, आने दो, चला गया। शिट, यस, एक और बार आ रहा है। इसको यहां से भी मारते हैं गाइस, और हम इसको चार्ज बीम से भी मारते हैं। बस ये जाने वाला है, इसकी थोड़ी सी पावर रह रही है। बस 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 बस, अरे कहाँ जा रहा है, रुक जा, आएगा, वेट करो गाइस। ओ चार्ज बीम मेरी लग नहीं रही है। ओ वाओ गाइस अमेजिंग, एक चार्ज बीम लगी। अगर इस बार चार्ज बीम लगी तो आप लाइक करोगे मेरी वीडियो को और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करोगे। ओ शिट, इसने भी अपना रॉकेट लॉन्चर फेंक दिया, आई मीन ड्रैगन ब्रेथ फेंक दी चार्ज बीम। अरे यार भाई कितनी ब्रेथ फेंकेगा, वेट वेट वेट, ओ मामा जा, कितनी ब्रेथ है भाई इसके अंदर, फेंके ही जा रहा है, फेंके ही जा रहा है। ए गाइस आपको अब सब्सक्राइब करना पड़ेगा क्योंकि मैंने आपसे एक बैट लगाई थी, अगर मैं इसको मारूंगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो मैंने इसको फ्लाइंग उड़ते उड़ते एक चार्ज बीम मारी है। एक बार वो ट्राई करते हैं, ये काफी दूर है इस टाइम, ये इतनी ऊपर, देखो डर के मारे कितनी ऊपर उड़ रहा है। गाइस यही तो खौफ है आपके भाई का, यही तो खौफ है, इसलिए हमें टॉक्सिक कहते हैं, इसी ही लिए हमें टॉक्सिक कहते हैं। गाइस गया गया गया, ओ शिट 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 शिट, ये मेरे को भी मार रहा है, इसकी ब्रेथ यहीं पे छूट गई थी। यस 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 यस, ओ शिट शिट शिट, इसकी ब्रेथ से बाहर निकलो जल्दी से। और ये बस गया गाइस, जाने ही वाला है ड्रैगन। ये गाइस दिस इज माइनक्राफ्ट, बस हमने एंडर ड्रैगन को बीट कर दिया है। ओ वेट, ओ गाइस लिटरली 1 एचपी पे हमने एंडर ड्रैगन को बीट किया है गाइस। अभी आपने देखा ना क्या हुआ, बिल्कुल हाफ एचपी, आई मीन हाफ नहीं, बिल्कुल 2 हर्ट्स थे मेरे पास, मैंने एंड्रॉइड ड्रैगन को बीट किया। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम बनेंगे कोई नेक्स्ट हीरो। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।